तब हम डॉक्टर को पूछे, भाई ये फांसी कैसे लगा है, कहीं तो दाग होना चाहिए था, या गला में हो या पूरे शरीर में कहीं भी चोट का दाग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर डॉक्टर साहब भी उस पुलिस पदाधिकारी को रपेटा है कि जब इसके गर्दन में दाग नहीं है तो ये फांसी कैसे लगा। अब ये लोग हमको कहता है कि डीएम साहब से आदेश लेके हम क्या कहते हैं पोस्टमार्टम कराने आए। फिर क्या लग रहा है, एकदम हत्या का साजिश किया गया। आखिर कौन कर सकता है जेल में, कौन कर सकता है जेल के अंदर, जेल का जो इंचार्ज है वही नहीं करेगा, और कौन करेगा। हमसे मांग किया गया पैसा, 600-600 रुपया चार बार भेज चुके हैं, वो अंदर में वार्ड इंचार्ज या जो कोई भी है वो पैसा लेता है। क्या चीज बोल, रहने का नहीं तो हम सुतने नहीं देंगे। जो जांच किया जाए कभी भी हमारा बात झूठ नहीं निकल सकता। और किसी जो कैदी है उनसे पूछा जाए वो भी यही बात बताए। क्या लगता है आप लोग, हमको लगता है इससे जो पैसा मांगा गया है, जो भी उसका पुलिस इंचार्ज होगा या सुपरिंटेंडेंट क्यों ना हो या जेलर क्यों ना हो, ये सब मिल के करवाया गया। पैसा नहीं दे रहा, प्रताड़ना किया गया, प्रताड़ना में कहीं ज्यादा चोट लग गया, डेथ कर गया। पूर्णिया सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत हो गई। मृतक पॉस्को एक में पिछले 5 महीने से जेल की सजा काट रहा था। बुधवार की संध्या गिनती में कम पाए जाने पर जेल के सिपाहियों ने जब गिनती से गायब बंदी की खोजबीन शुरू की तो वह पीपल के पेड़ से फंदे से झूलता मिला। मीडिया से बातचीत के क्रम में केंद्रीय कारा के हेड वार्डन अजय कुमार ने खुद इसकी पुष्टि की है। वहीं कैदी की मौत के बाद से सेंट्रल जेल प्रशासन और जेल में बंद दूसरे कैदियों के बीच हड़कंप मच गया है। हालांकि सेंट्रल जेल में बंद इस कैदी ने आखिर क्यों फांसी लगाई इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं सेंट्रल जेल प्रशासन इसे लेकर कुछ भी कहने से साफ बचते दिखाई दे रहे हैं। मृतक कैदी की पहचान पूर्णिया जिले के चंपानगर निवासी रविंद्र महतो के पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई है। मृतक अमित के पिता रविंद्र महतो ने बताया कि उनका बेटा चंपानगर गांव में ही रहने वाली नाबालिग भतीजी से रेप के आरोप में 5 माह पहले जेल गया था। इसके बाद से ही वह जेल में बंद था। एक रोज पहले ही मृतक कैदी अमित कुमार की मां आरती देवी उनसे मिलने जेल गई थी। मां से मुलाकात में अमित ने बताया था कि उसे जेल के भीतर कुछ भी ठीक नहीं लगता है। गुरुवार को पूर्णिया सिविल कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, हालांकि उसे पहले ही सेंट्रल जेल से कॉल आया। फोन पर जेल के एक अधिकारी ने बेटे के फांसी लगाने की बात बताई और सब को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेजे जाने की बात बताई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। वहीं गुरुवार को शव लेकर परिजन डीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि बार बार जेल से रुपए का डिमांड किया जाता था, कई बार रुपए दिए गए थे, इस बार डिमांड पूरा नहीं हुआ तो अमित की हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। उन्होंने पूर्णिया के डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। अच्छा, कैसे क्या घटना घटी, क्या जानकारी? हमको जब 8 बजे शाम में कल सूचित हुआ किसी आदमी से कि आपका लड़का डेथ कर गया, बोले भाई वो तो इसमें जेल में है तो डेथ क्यों हो जाएगा, बोला हाँ फांसी लगा लिया, जो हमें जानकारी मिल रहा है फांसी लगा लिया। हम आए आनंद फन, आप जो केस का आयो था ओम प्रकाश यादव जी केस का जो आयो थे पहले, तो उनको हम फोन किए तो बोला हाँ, जब उसको जानकारी मिला तब बताया हाँ सही में हॉस्पिटल में आपका लड़का, जाके उसको पोस्टमार्टम करवाइए, आप सामने रहते। जब यहाँ आए तो हम जो उनके उनको भार सौंपा गया था वह कहता आपका लड़का फांसी लगा लिया। हम गए पहले पूरे कपड़ा खोले अपना लड़का का, जो डॉक्टर भी गवाह है, पूरे कपड़ा खोले, कहीं न तो इंजर्ड है न कहीं किसी चीज़ का दाग है। तब हम डॉक्टर को पूछे भाई ये फांसी कैसे लगा है, कहीं तो दाग होना चाहिए था, या गला में हो या पूरे शरीर में कहीं भी चोट का दाग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर डॉक्टर साहब भी उस पुलिस पदाधिकारी को रपेटा है कि जब इसके गर्दन में दाग नहीं है तो ये फांसी कैसे लगा है, इसके शरीर में इंजर्ड नहीं है तो फिर डेथ कैसे किया गया, क्या हो? कैसा मामला है। तब ये लोग हमको कहता है कि डीएम साहब से आदेश लेके हम क्या कहते हैं पोस्टमार्टम कराने आए हैं, जिसमें और को तो हम नहीं पहचान रहे, एक बीडीओ साहब हमारे प्रखंड का है वह भी थे कि हमको डीएम साहब भेजे हैं, बीडीओ साहब थे। तो आप लोग को इस मामले में क्या लग रहा है, फांसी का यानी निशान नहीं, कोई निशान नहीं इसको, तो फिर क्या लग रहा है, एकदम हत्या का साजिश किया गया। आखिर कौन कर सकता है जेल में, कौन कर सकता है जेल के अंदर, जेल का जो इंचार्ज है वही करेगा, और कौन करेगा वही उसके, और नहीं आप हमको जाने, हम आपको जाने तो हम आपका मर्डर क्यों करें, आप हमारा क्यों कीजिएगा।
हमसे मांग किया गया पैसा 600-600 रुपया चार बार भेज चुके हैं, जिसमें एक अकाउंट का नंबर है सुचित्रा सरकार, उसका नाम है, उसका नाम मांग करते, दूसरा का नाम है MD खालिद राजा। ये कितने दिन पहले गया था जेल? इसको 29/7 को वहाँ पकड़ा गया, 30/7/2023 को जेल लाया गया। अच्छा, पैसा क्या चीज के मांगता था? हमको अंदर में वार्ड इंचार्ज या जो कोई भी है वो पैसा लेता है। क्या चीज बोल, क्या रहने का? नहीं तो हम सुतने नहीं देंगे, जो जांच किया जाए, कभी भी हमारा बात झूठ नहीं निकल सकता। और किसी जो कैदी है उनसे पूछा जाए, वो भी यही बात बताए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब साजिश से क्या, कौन कैसे हत्या हुआ, कैसा लगता, क्या लगता आप लोग? हमको लगता है इससे जो पैसा मांगा गया है, जो भी उसका पुलिस इंचार्ज होगा या सुपरिंटेंडेंट क्यों ना हो या जेलर क्यों ना हो, ये सब मिल के करवाया गया। पैसा नहीं दे रहा, प्रताड़ना किया गया, प्रताड़ना में कहीं ज्यादा चोट लग गया, डेथ कर गया। क्या लगता है, मारो रोक किया गया इसका साथ में? अंदरूनी चोट होगा जी। क्या नाम था इसका? अमित कुमार, उम्र 19 साल है। 19 साल, कहाँ के मामले में गया था जेल? इसको पोस्को एक्ट लगाया, हमारा भाई का मामला है, भाई में जमीन का मामला है, उसमें लगाया है, तो उसका केस हम खोले हैं। अब मामला चलता, आज तारीख है उनका। मेन वजह क्या लग रहा है आपको, पैसा का ही? क्या चीज का मेन वजह क्या लग रहा है अंदर में? आप जो बोले पैसा भेजे भी हैं। जी, पैसा जो हम नहीं भेजना आप शुरू किए, हमसे 2000 अब मांगा, पहले 600-600 रुपया मांगा, अब 2000 मांगा। हम बोले 2000 हम नहीं दे सकते, इसी में मांग सका। हमको बताया एक पुलिस है, एक वार्ड इंचार्ज है। अच्छा, एक वार्ड इंचार्ज जो सजायाफ्ता हो जाता है ना, वह वार्ड का इंचार्ज होता है। अच्छा, वह और पुलिस दोनों मिल के मांगा है। इस बार 2000 रुपया मांगा, हम बोले 2000 हम नहीं दे सकेंगे, हमारे पास है नहीं। जिस पर हम पैसा भेजे उसका कहिएगा तो हम थोड़ा सा परेशान होके उसका अकाउंट नंबर और उसका नाम दोनों डिटेल्स देंगे, जिस मोबाइल से भेजा गया है उससे निकाल के। कोई बीमारी वगैरह भी था इसको क्या? जी नहीं, आप जाँच करवाइए। कोई बीमारी नहीं है, अभी भी तो लाश है ही यहीं। और लास्ट का अभी कहाँ, DM साहब के पास आए आप लोग? DM साहब के पास आए, केवल हमको न्याय मिल जाए। और उससे लाश को लेकर क्या है? जी, लाश भी सामने ही रखा, हमें बस न्याय चाहिए। जो कोई भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा हो, चाहे पुलिस हो या फिर कोई हो, अगर गलती कोई भी कर रहा है, हम कर रहे थे क्या, हमारे लिए कानून है, पुलिस के लिए कानून नहीं है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि कोई जो जैसे आप, हम 1-2 साल रह के आए, हमें वहाँ संपर्क हो गया कोई, वह उनको फोन किया कि आपके ही गांव का चंपानगर का एक लड़का मारा गया है, उसको पुलिस मारा है। अच्छा, वहाँ जब लीजिएगा दो जो हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। मारा है इसका। मैं आपका रविंदर महतो, घर कहाँ हो? चंपानगर। कौन थाना पड़ता है? हम लोगों का थाना केनगर है, OP चंपानगर। उन्होंने फोन करके कहा कि हाँ ये सच है, आप पूर्णिया चले जाइए। अभी तक हम लोग को जेलर की तरफ से कोई फ़ोन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद पता लगा रात में 9-9:30 बजे के बाद, मतलब कि 10-10:30 बजे ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो 12:00 कुछ मिनट पे पोस्टमार्टम के लिए किया भेजा गया है। और जब आए हैं मामा ससुर यहाँ पे, जब उन्होंने देखा है तो ना बॉडी पे कहीं फूटा, जब फांसी लगाया तो हम लोग है कि गले में कुछ निशान होगा या चोट का कुछ निशान होगा, अगर मारपीट भी कुछ भी हुआ है उसमें तो कुछ ना बॉडी पे निशान होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसके बाद मेरे मामा से सुन बोला कि ऐसे हो कैसे गया, इसमें से बाकी और सब कहाँ है? आप लोगों को क्या शक लगते हैं? मारा शक बिल्कुल क्लियर, हम लोग परमानेंटली कहते हैं कि ये मर्डर मारा है बिल्कुल। जेल के अंदर आप बोल रही हैं, एक मिनट, आप बोल रही हैं कि चोट नहीं है शरीर पे, कहीं दाग नहीं है, फिर देख सकते हैं बॉडी को, फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि मारा गया? मारा नहीं गया तो फिर कैसे आप, जैसे अब मेरे साथ आप खड़े हैं, अभी पूरी पब्लिक है यहाँ पे, आप खड़े खड़े कैसे मर सकते हैं? जब पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला ना, आपको हार्ट अटैक आया है ना और कुछ आया, उसमें निकलने का ना कारण बताया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा है। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।